अहम खबर आपको दें कि सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी के भाई अहमद मुज्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने बुशरा बीवी के भाई को 6 जुलाई को तलब कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीवी के भाई अहमद मुज्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने बुशरा बीवी के भाई को 6 जुलाई को तलब किया है। सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम है और इसी इल्ज़ाम के सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा महकमा एंटी करप्शन की जानिब से क्या हदायत जारी हुई है। जी बिल्कुल, सरकारी अराजी पे कब्जा करने के इल्ज़ाम पे एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुज्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। अहमद मुज्तबा पर अपने फ्रंटमैन ताहिर जहूर के जरिए गैर कानूनी तौर पे सरकारी मार्केट की अराजी लीज पर देने का इल्ज़ाम है। अहमद मुज्तबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने चेयरमैन मार्केट कमेटी ताहिर जहूर के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करवा के सरकारी खजाने को मजमुई तौर पे 20 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। सरकारी मार्केट की जगह पर कब्जा करवा कर दुकानें तमीर करवाई गई। एंटी करप्शन की जानिब से मुलजमान को 6 जुलाई को एंटी करप्शन शाहीवाल रीजन में पेश होने की हदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी अपडेट करने के लिए।